मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। अच्छा अंजना जी के बारे में क्या कहना है, दो दो तीन तीन फिल्मों में एक साथ नजर आए। अंजना जी के साथ एक्चुअली अंजना जी काफ़ी सीनियर एक्ट्रेस हैं और मैं उनका बहुत टाइम से मैं उनकी मूवी देखता आ रहा हूँ, तो उनके साथ काम करने मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उनके साथ मेरी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी दर्शकों को लगेगी। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से काम किया है, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत ही कई जगह मैं नर्वस था क्योंकि वो एक सीनियर आर्टिस्ट हैं और उनके साथ काम करने में, लेकिन उनका कोऑपरेशन बहुत ही अच्छा रहा और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से शूट किया है और काफ़ी अच्छा काम किया है और जो कि दर्शकों को पसंद आएगा। पूनम दुबे और पायस पंडित के बारे में क्या कहेंगे? पूनम दुबे जी बहुत अच्छे एक्ट्रेस हैं और एज अ बीइंग ह्यूमन उनका नेचर सबसे अच्छा मुझे लगता है और आगे मैं उनके साथ जरूर काम करूंगा अगर चांस मिलेगा तो। बहुत ही मेरी उनकी केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है और हम लोग एक अच्छे फ्रेंड भी हैं, तो मेरा उनके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। और पायस पंडित जी के साथ भी सेम, उनके साथ मैंने एक मूवी टाइगर अभी जिंदा है किया है और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। आपके साथ फिल्म में खलनायक कौन है और कैसा एक्सपीरियंस आपके साथ? मेरे साथ फर्स्ट मूवी में लीड रोल जो मैंने प्ले किया टाइगर अभी जिंदा है उसमें मेन विलन जी संजय पांडे जी हैं और आयाज खान जी हैं और उनके साथ मेरा बहुत ही अच्छा ट्यूनिंग है, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और कई जगह पे उन्होंने मुझे समझाया हाउ टू प्ले, तो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं संजय पांडे जी और आयाज खान जी। शूटिंग कहाँ कहाँ की गई है बताएंगे? फिल्म की शूटिंग टाइगर अभी जिंदा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट वो दुबई में हुई, वहाँ पे हमने कुछ सॉन्ग और सीन्स कुछ फाइट किए हैं और आफ्टर दैट हम लोगों ने मुंबई में शूट किया है, गुजरात में शूट किया है, देन हमारी हथकड़ी मूवी की शूटिंग हुई है भोपाल में, हुल भोपाल और मंडीदीप में हुई है और शक्ति की भी भोपाल और मंडीदीप में हुई है, तो मतलब बहुत अच्छे अच्छे उसमें लोकेशंस हैं और बहुत ही अच्छी प्यारी मूवी बनी है। फिल्म का जो मेन तीनों में है आपको सबसे अच्छा फिल्म कौन सी लगी तीनों में से? मुझे तो तीनों मूवी बहुत अच्छी लगी, मैंने तीनों में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उसमें शक्ति एक मूवी है जो लेडीज ओरिएंटेड है, उसमें एक्टिंग करने का मुझे अच्छा खासा एक्टिंग करने का मौका मिला था, तो बहुत मुझे प्यारी मूवी लगी है शक्ति और नो डाउट ऑल मूवीज गुड बट शक्ति में मुझे एक अच्छा एक्टिंग एक अच्छा अभिनय करने का मौका मिला है जिसमें मैं एक लॉयर एज अ लॉयर प्ले कर रहा हूँ, तो शक्ति मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी है बट नो डाउट मुझे सारी मूवी मेरी अच्छी हैं, उसमें मैंने बहुत मेहनत किया है हर मूवी के लिए। भोपाल अपना शूट किया, भोपाल के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? भोपाल के लोग बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, वहाँ पे हम लोगों ने शूट किया है, वहाँ के लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, बहुत सपोर्ट किया है उन लोगों ने हर जगह जहाँ हम लोगों ने शूट किया है, बहुत मतलब अच्छे अच्छे लोग हैं और हम लोग नेक्स्ट मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं भोपाल के लोगों के साथ में काम करूँ। अजय आपने दिनेश और खेसारी की फिल्म की कभी सामने से मिले हैं उन लोगों से? नहीं अभी दिनेश से मेरे सामने से ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं उनसे मिलूं, खेसारी जी से मेरी एक मुलाकात हुई थी उनके नागदेव के सेट पे, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ही हम लोग मिले थे, बहुत ही प्यार से मिले थे और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। कोई फिल्म में लेटेस्ट उनका देखा आपने? जी मैंने उनका मेहंदी लगा के रखना, संघर्ष, मैं एक्चुअली खेसारी जी के कॉमेडी और डायलॉग बहुत पसंद करता हूँ, तो नो डाउट इज माई आइडियल ऑन माई लाइफ, आई वॉन्ट टू बी लाइक देम, अगर उनके जैसे मैं 10% भी बन पाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी और बहुत ही अच्छे एक्टर हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि मुझे उनके सॉन्ग बहुत पसंद हैं। फिल्म की शूटिंग आपने दुबई में की थी पहली बार में, कैसा लगा दुबई आपको शूट करके? दुबई शहर बहुत ही अच्छा लगा और वहाँ पे हम लोगों ने अपने मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग हम लोगों ने शूट किए हैं और बहुत दुबई शहर बहुत अच्छा है और मैं चाहूँगा कि बार बार हम लोग का ऐसा घूमने का मौका मिले और काम करने का मौका मिले नई जगह में, बहुत अच्छा शहर है और वहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे हैं, सपोर्टिव है। आप एमपी के रहने वाले हैं, रीवा के जी, बिहार में, यूपी में और मुंबई में ज़्यादातर फिल्में रिलीज होती है, पंजाब में, दिल्ली में, इन इन राज्यों के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे?
इन दर्शकों को सबसे पहले तो मैं दिल से थैंकफुल करना चाहता हूँ कि इन लोगों ने मतलब मुझे एक्सेप्ट किया है, यहाँ के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है। और सबसे पहली बात तो कि भोजपुरी मूवी जो है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ भी बहुत अच्छी चलती है और वहाँ भी रिलीज होती है, वहाँ भी सारे सॉन्ग चलते हैं। दैट इज़ वाई मैं भोजपुरी मूवी में काम करना चाहता था। और दर्शकों को मेरा नमस्कार है, धन्यवाद है कि उन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया है और इतना प्यार मिल रहा है मुझे, तो बस हो गया। थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।